नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से लगातार आकांक्षा दुबे एक मामले को लेकर लगातार जिस तरीके से ये मामला चल रहा था उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बात करें तो भोजपुरी अभिनेता और आकांक्षा दुबे के मामले में हत्यारोपी, जिस तरीके से उनकी मां का कहना है समर सिंह जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। जी हां, बात करें तो बड़ी खबर भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी आप सभी के सामने मैं परोस रहा हूं। भोजपुरी गायक समर सिंह जो कि आकांक्षा दुबे मामले में आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। कहां से गिरफ्तार किया गया है, कौन पुलिस गिरफ्तार किया, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर कि जिस व्यक्ति के गिरफ्तारी का इंतजार था वो फाइनली गिरफ्तार हो चुका है। और आकांक्षा दुबे की मां लगातार रो रो कर उनका बुरा हाल था और आरोप लगा रही थी कि समर सिंह ही हमारी बेटी का बड़ा आरोपी है, जिसको लेकर लगातार पुलिस जो है उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर छापेमारी कर रही थी। विदेश ना भागे इसके लिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर दी थी और इनाम रखने का प्लान भी कर रही थी। लेकिन इस बीच में आज 13वीं है आकांक्षा दुबे का, और इसी दिन बड़ी खबर आ रही है इस मामले से जुड़ी। आकांक्षा दुबे मामले से जुड़ी, समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो समर सिंह को गिरफ्तार किया गया है वो उत्तर प्रदेश से ही किया गया है। जी हां, बात करें तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से समर सिंह को गिरफ्तार किया गया है और गाजियाबाद के नंदग्राम थाना के अंतर्गत जो है वो कहीं ना कहीं ये गिरफ्तारी हुई है। यानी कि गाजियाबाद के नंदग्राम कोई थाना है, वहां से समर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये जो गिरफ्तार है वो नंदग्राम पुलिस ने की है और समर सिंह के साथ माना यह जा रहा है कि 3-4 और आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार करके समर सिंह और जो दो तीन उनके साथ जुड़े लोग थे उनको जो है बनारस पुलिस को यह सौंप दिया गया है। बनारस पुलिस की 3-4 टीमें भी नंदग्राम यानी कि गाजियाबाद में पहुंची हुई थी और वहां पर नंदग्राम पुलिस ने समर सिंह के अलावा जो दो तीन लोगों को और गिरफ्तार किया था वो बनारस पुलिस को सौंप दिया है। और बनारस लेकर जो है वो समर सिंह को पुलिस जो है वो आने लगी है। इसके बाद आगे लगातार पूछताछ होगी तमाम मामलों को लेकर, किस तरीके से क्या कुछ हुआ, मोबाइल फोन से लेकर तमाम डेटा जो है वो कहीं ना कहीं रिकवर किया जाएगा, पूछा जाएगा, जानकारी इकट्ठा की जाएगी और इस मामले की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन बड़ी खबर, जिस तरह से उनकी मां आकांक्षा दुबे का इंतजार था, आकांक्षा दुबे की मां का, कि हमारा बेटी का आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो जाए, तो फाइनली जो है समर सिंह जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन अभी भी जो संजय सिंह है उसकी पुष्टि नहीं हो चुकी है, क्योंकि इस मामले में समर सिंह के अलावा संजय सिंह भी था। लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है इसको लेकर अभी तक कोई ताजा खबर नहीं आ रही। लेकिन बड़ी खबर, समर सिंह भोजपुरी गायक जो कि आकांक्षा दुबे के मामले में आरोपी है, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि गाजियाबाद के नंदगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ उसको संरक्षण देने वाले 2-3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर थी, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बाकी इस पर आपकी राय बताइए। धन्यवाद।